हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रितिका दुर्गापाल फ्रॉम माय चैनल ऋतु व्लॉग्स। और गाइज, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में ही बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे कोई भी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ मिस ना करें। सो इस लॉकडाउन में मैं आज आप लोग के लिए लेके आ गई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मार्बल केक, वो भी कढ़ाई में और स्टील की कटोरी में। सो देखते हैं कि बहुत ही ईजी तरीके से हम ये केक कैसे बना सकते हैं घर पर। सो अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, उसमें करीब हम आधी कप जितना दही डाल लेंगे। ये फ्रेश योगर्ट है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, साथ ही में मैंने वही मेजरमेंट से आधी कप जितनी शक्कर ले ली है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर जो है वो दही के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए। सो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसके अंदर हम एक कप जितना मैदा ले लेंगे। बस आप ध्यान रखिए, जो भी मेजरमेंट कप आप यूज़ कर रहे हैं उसी मेजरमेंट से सारी चीज़ें लिए। तो अब इसको हम छान लेंगे ताकि मैदे में अगर कुछ लम्स वगैरह है तो वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने करीब एक कप जितना मैदा ले लिया है जिसको मैंने छान लिया है। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छी कंसिस्टेंसी में बैटर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करते जाएंगे और एक अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसके अंदर अभी मैं डाल रही हूँ करीब आधी छोटी चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और करीब 1/4 स्पून जितना बेकिंग सोडा। अगर आपके पास में बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी यूज़ कर सकते हैं, और इनको भी हम छान कर इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम करीब आधा नींबू निचोड़ देंगे, और इसको भी हम पूरा मिक्स कर लेंगे। आप देखेंगे कि जैसे ही आप नींबू निचोड़ते हैं तो सोडा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और जो हमारा बैटर है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाता है। सो बस इसी तरह का फ्लफ़ीनेस आना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आपका सोडा भी बहुत अच्छा है एंड आपका बैटर परफेक्ट बना है। सो देखिए, इस कंसिस्टेंसी का मैंने बैटर तैयार कर लिया है। अब सेकेंड स्टेप के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी ले लेंगे जिसके अंदर मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच जितना कोको पाउडर, और इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना रहे। अब इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच पानी मिला देंगे और इसका भी एक अच्छा बैटर तैयार कर लेंगे। आपको पानी की ज़रूरत और लगे तो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए, बस इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तैयार कर लेना है। अब ये जो कोको पाउडर का हमने बैटर तैयार किया है, इसके अंदर हम हमारा जो वाइट केक का बैटर है वो मिक्स कर देंगे ताकि हमारा चॉकलेट बैटर रेडी हो जाए। सो मैंने इसके अंदर हाफ बैटर मिक्स कर दिया है, इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं ये हमारा चॉकलेट बैटर भी तैयार हो गया है। अब आपको केक को टिन में डालने से पहले एक कढ़ाई जो है वो एकदम धीमी आंच पे गरम करने के लिए रख देनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर मैं कोई भी एक स्टैंड ले लीजिए, जो भी आपके पास हो वो स्टैंड रख लीजिए, और उसको इस तरह से ढककर करीब 5 मिनट के लिए गर्म होने दीजिए। अब मैंने ये सेम साइज़ की ही कटोरियाँ ले ली है, उसके अंदर मैं घी से इसको ग्रीस कर रही हूँ। आप घी, बटर या फिर तेल जिससे चाहें उससे इसको ग्रीस कर सकते हैं ताकि जो केक है हमारा आसानी से बाहर आ जाए। सो मैंने यहाँ पे एक ही साइज़ की 3 कटोरियाँ ले ली है, उसके अंदर अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैदा, और इसको इस तरह से कोटिंग कर देंगे हम मैदे की। सो बस हमारी कोटिंग करके तैयार है। अब इसके अंदर हम बैटर डाल देते हैं। तो मार्बल केक के लिए हमको कुछ इस तरह से बैटर डालना होगा। सबसे पहले मैंने वाइट बेस डाला है, उसके बाद में इस तरह से बीच में से हम चॉकलेट बेस डालेंगे, और इसी तरह से एक एक करके हम बेस डालते रहेंगे। अब देखिए कितने आराम से आप डालिएगा ताकि दोनों जो है वो मिक्स ना हो। सो एक वाइट बेस डाला, एक चॉकलेट बेस डाला, अब फिर से हम ऊपर से वाइट बेस डालेंगे। बस इसी तरह से आपको एक वाइट बेस और एक चॉकलेट बेस डालकर तीनों कटोरियों को तैयार कर लेना है। आप देखिए मैं किस तरह से डाल रही हूँ। जब ये छोटा सा पिन पॉइंट आ जाए तब आपका ख़त्म हो जाएगा। सो मैं ये तीनों कटोरियों में सेम इसी तरह से डाल लूँगी।
सुबह सभी ये तीनों कटोरियों में मैंने बेस डाल दिया है। अब आप एक टूथपिक की हेल्प से या फिर माचिस की तीली से इस तरह से एक शेप बना दीजिए, जिसके उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो बस मैं इसी तरह से एक शेप बना दे रही हूँ ऊपर। और बस हमारा केक टिन रेडी हो गया है। अब इसको हम बेक होने के लिए रख देते हैं। सो कढ़ाई जो हमने गरम करने रखी थी, बस उसे ओपन करके हम ये कटोरियों को करीब 15 मिनट हम बेक होने देंगे। उसके बाद में हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा स्पॉन्ज पका है कि नहीं। सो बस आपको एकदम स्लो फ्लेम पे ही इसको गर्म होने के लिए रख देना है, यानी बेक होने के लिए रख देना है। अब करीब 15 मिनट बाद आप ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज हमारा कितना अच्छे से फूल गया है एंड बहुत ही अच्छा आ गया टेक्सचर भी। सो बस अब अभी एक टूथपिक की हेल्प से पूरा नीचे तक डालकर देख लीजिए कि केक आपका बेक हो गया क्या। अगर क्लीन टूथपिक बाहर आ जाए तो समझिए कि आपका केक बेक हो गया है, बट आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चॉकलेट लगी है इस पर। सो हम इसको 5 मिनट और बेक होने देंगे। सो 5 मिनट बाद हम वापस से चेक कर लेंगे उसी तरह से जैसे पहले चेक किया था। सो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन बाहर आया है, यानी हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हो गया है। सो बस अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और इसको आप गरम गरम ही एक तो एजेस आप क्लीन कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि एजेस जो है स्टिक है, बट मैंने नाइफ डालकर देखा तो एजेस काफ़ी क्लीन थे। तो हम इसको एक प्लेट में इसको उल्टा कर देंगे तो आप देखिए कि केक कितने आसानी से बाहर आ गया है। बाकी के भी जो 3 केक हैं उनको इसी तरह से अनमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने आसानी से बाहर आ गया है। बस इसके नीचे जो हमने मैदा का जो कोटिंग दिया था, आप केक पे से उसको थोड़ा सा हटा दीजिए, वरना खाते वक्त इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। सो बस मैंने केक को अनमोल्ड कर लिया है, आप प्लेट कर दीजिए। ऊपर से चाहे तो आपके पास अगर चॉकलेट सॉस अवेलेबल है तो चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं, वरना इसको आप ऐसे भी बहुत इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना था। मैंने भी इसको खुद को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मार्बल केक मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे है और घर पे आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है उसी से बन जाता है। तो जरूर ट्राई करिए और मुझे अपने रिव्यूज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।